नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करना। अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि उपभोक्ता एक निश्चित आय के द्वारा कहां पर संतुलन में होता है तथा कौन कौन सी शर्तें हैं जो उपभोक्ता संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। तो आइए देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय पर संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, अर्थात अपनी आय का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहता है, अर्थात जो उसके पास आय दी गई है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो उस आय का बेस्ट प्रयोग करना अर्थात उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्रदान करना, प्राप्त करना, वही उसका मेन टारगेट होता है। अर्थात अपनी दी हुई आय से अधिक वस्तुओं को परचेज करना, अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना, परचेज करना एक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है। तो उपभोक्ता अपनी आय का अगर बेस्ट यूज करता है तो हम कहेंगे यही उपभोक्ता का संतुलन है। दूसरे शब्दों में, यदि उपभोक्ता दो वस्तुएं खरीदने जाता है, एक्स वस्तु के संदर्भ में उसकी सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य के बराबर हो, दूसरा वाई वस्तु के संदर्भ में वाई वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। ये प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत से हमने देखा था, अर्थात MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY या MUY अपॉन PY। ये हम रिलेशनशिप को देखते हैं। तो इस प्रकार, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू पी वाई। यही बात को दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी आय से एक निश्चित मूल्य से अपनी वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर पेमेंट कर रहा है, अर्थात वो बेस्ट यूजेस को अपना रहा, बेस्ट कॉम्बिनेशन को अपना रहा। सबसे पहले बात आती है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसके पास 100 रुपीज है। सपोज दैट एक उपभोक्ता, उसके पास कितना रुपया है, 100 रुपीज है, ये उसकी इनकम है। बाजार में एक एक्स का दाम, 1 रुपया है। बाजार में उपभोक्ता के लिए एक एक्स का दाम 1 रुपये है और अपनी इस इनकम को अगर एक्स पे खर्च कर देता है तो कितना एक्स प्राप्त करेगा, 100x प्राप्त करेगा। बाजार में दूसरी वस्तु है, वो एक वाई का दाम बाजार में 2 रुपये है और अगर अपनी पूरी इनकम वो वाई पे खर्च कर देता सपोजता है तो 50y वो खरीद सकता है। तो ये उसकी आय का लिमिटेशन है, आय की सीमाएं हैं। अर्थात एक्स पे खर्च कर देगा तो 100x खरीदेगा, अगर वाई पे खर्च कर देगा तो 100y खरीद सकता है। तो इस प्रकार ये दोनों वस्तु का कॉम्बिनेशन है कि अगर एक वस्तु परचेज करता तो 100x ही खरीद पाएगा, अगर केवल वाई परचेज करता है तो 50y परचेज कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों वस्तुएं खरीदता है तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है इस निश्चित आय से। तो इस प्रकार ये लिमिटेशंस एक्स और वाई की हमें ज्ञात हो जाती है। इसे हम रेखा चित्र में स्पष्ट करते हैं। हमने आधार अक्ष ओ एक्स पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, हमने वाई एक्सिस पर
वाई कमोडिटी को लिया, वाई कमोडिटी को लिया, ये हमारे पास 100 रुपए की मूल्य रेखा है, ये देखिए 100 रुपी, ये अगर वो एक्स पे खर्च करता है तो कितना एक्स खरीद पाएगा, 100x खरीद पाएगा, ठीक है। अगर वो वाई पे खर्च करता है तो कितनी वाई खरीद सकता है, 50y खरीद सकता है। तो 100x और 50y को यदि एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक प्रकार का हमें त्रिभुज प्राप्त होता है। इसका नाम अगर हम A दे दें, इसका नाम अगर हम B दे दें, तो OAB ये आपका उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र है, क्रय शक्ति क्षेत्र है, अर्थात उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से, कितनी 100 रुपीज से, अपनी दी हुई आय से इस त्रिभुज के सभी बिंदुओं को परचेज कर सकता, खरीद सकता है। अगर उपभोक्ता मान लीजिए संतुलन में सी बिंदु पर है, सपोज दैट उपभोक्ता संतुलन में सी बिंदु पर है, तो ये देखिए 100 यानी प्राइस लाइन से बहुत नीचे है। इसका तात्पर्य है कि अगर वो सी बिंदु मान लीजिए इक्विलिब्रियम को अपनाता है, प्रियम को अपनाता है, तो ये इनकम का बेस्ट यूज नहीं होगा, इनकम का बेस्ट यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस मनी से ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते थे, लेकिन आपने सी कॉम्बिनेशन चुना जिसमें वाई की इतनी मात्रा आएंगी और एक्स की इतनी मात्रा आएंगी, जो आपको एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता को के व्यवहार में शामिल नहीं किया जा सकता। तो और दूसरी चीज, कोई उपभोक्ता डी बिंदु पर संतुलन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रय शक्ति क्षेत्र यानी त्रिभुज ओ ए बी के बाहर है, तो ये क्रय शक्ति क्षेत्र के बाहर है, इसको यानी डी संतुलन बिंदु नहीं हो सकता, संतुलन बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपभोक्ता खरीद नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, उसके पास उसकी इनकम नहीं है। तो इस प्रकार एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता केवल ए और बी रेखा के ऊपर ही कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु खोजेगा। तो ए बी प्राइस लाइन जो आपको है, ये प्राइस लाइन है, इसी पर कहीं ना कहीं एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता रहेगा, एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता रहेगा, वहीं पर उपभोग करेगा, चाहे वो एक्स पे सारा वस्तु पैसा खर्च कर दे तो संतुलन बिंदु B को अपना ले, चाहे वो A पर खर्च कर दे यानी Y पर खर्च कर दे, 50Y ले ले अपनी दी हुई आय से और संतुलन बिंदु A पर रहे, और यदि उसको पसंद है कि मैं कोई बिंदु संतुलन बिंदु चुनना चाहता हूँ E, अर्थात मैं X की 50 मात्रा तथा Y की 25 मात्रा खरीदना चाहता हूँ, तो वो संतुलन बिंदु E पर रहेगा, यहाँ पर 100 रुपीज का बेस्ट प्रयोग हो जाए। क्यों? क्योंकि 50 रुपी उसने एक्स पर खर्च कर दिए और 50 रुपी उसने वाई पर खर्च कर दिए, अतः उसका संतुलन ई है और ई मूल्य रेखा पर है, अर्थात वो उसके विवेकपूर्ण व्यवहार को दर्शा रहा है। मान लीजिए वो चाहता है कि मैं केवल मात्र 20 रुपी यानी 20 यूनिट एक्स का खरीदूं तथा बाकी रुपी से मैं वाई खरीदूं, तो वो क्या करता है, 40Y परचेज करना चाह रहा है तथा 20X परचेज करना चाह रहा है और F कॉम्बिनेशन को पसंद कर रहा है, तो ये भी उसका संतुलन बिंदु हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेफरेंस में Y की 40 मात्रा है और X की 20 मात्रा है, अतः ये मूल्य रेखा पर है, ये भी व्यवहार उससे संभावित है। तो मूल्य रेखा वो रेखा दिखाती है जो किसी उपभोक्ता की एक निश्चित आय से दो वस्तुओं के विशेष कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं। मूल्य रेखा एक निश्चित क्रय शक्ति एरिया को प्रदर्शित करती है जिसके बिंदुओं पर वो उपभोक्ता रह सकता है या क्रय कर सकता है। तो एक ये निश्चित आय, यहाँ पर कितनी आय थी, यहाँ पर 100 आय का ये उपभोक्ता क्रय शक्ति क्षेत्र है, ये त्रिभुज है जिसके मूल्य रेखा के किसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में रहकर अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मूल्य रेखा में परिवर्तन हो सकता है, अभी हमने जो देखा, यस, मूल्य रेखा में परिवर्तन हो सकता है। पहला
परिवर्तन का तरीका ये है कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए पापा आपको आय ज्यादा दे दें और अर्थव्यवस्था में मूल्य कांस्टेंट रहे, पहला परिवर्तन, उपभोक्ता की आय बढ़े, इनकम बढ़े या घटे, इससे मूल्य रेखा प्रभावित होगी। दूसरा आपका तरीका है मार्केट में वस्तु का मूल्य कम या ज्यादा हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी या कम हो या ज्यादा हो और इनकम कांस्टेंट हो, तो भी मूल्य रेखा में परिवर्तन संभव है। तो चलिए पहला लेके चलते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है जबकि मूल्य स्थिर है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है जबकि उपभोक्ता का मूल्य स्थिर, मान लीजिए उसके पास प्रारंभ में 100 रुपीज है, 1 रुपए का 1x जो मार्केट में प्राप्त हो रहा है वो 1x का दाम 1 रुपए है, अतः उपभोक्ता 100x खरीद रहा है और इसी आय से 1y बाजार में 2 रुपए की है तो वो 50y परचेज कर रहा है। अब मान लीजिए इन वस्तुओं का मूल्य, ये जो प्राइस है 1 रुपए और 2 रुपए, ये कांस्टेंट है, मान लीजिए ये मूल्य कांस्टेंट है और उपभोक्ता की आय बढ़ करके 200 हो जाती है, तो इसी मूल्य पर 1x=1 रुपए पर अब उपभोक्ता 200 इकाइयां खरीदेगा, जो पहले 100 इकाइयां खरीद रहा था, अब देखिए 200 इकाइयां x की खरीदेगा और इसी इनकम से 1y=2 रुपीज है, अब इससे वो 100y खरीद लेगा, जो 50 था अब 100। तो आय बढ़ने से आप देखिए 100 से इनकम बढ़ करके 200 हो जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, यानी आय अगर बढ़ती है तो मूल्य रेखा का क्षेत्र बढ़ जाता। देखिए 100 पहले आपका 100x खरीदने की पावर थी, अब 200x खरीदने की पावर है, पहले 50y खरीदने की पावर थी, अब 100y पावर। इसी प्रकार अगर उपभोक्ता का की इनकम घट करके 50 रुपए हो जाती है और बाजार में प्राइस 1x=1 रुपए रहता है तो अब वो 50x ही खरीद पाएगा जो पहले 200 खरीद रहा था, और अगर 1y का दाम 2 रुपए रहता है तो अब 25y ही खरीद पाएगा जो पहले ये था। तो देखिए अगर उसकी इनकम यहाँ पर घट गई तो इनकम घटने से उसकी क्रय शक्ति क्षेत्र भी कम हो जाएगा, क्रय शक्ति क्षेत्र कम हो जाएगा और यहाँ पर आय बढ़ने से क्रय शक्ति क्षेत्र बढ़ जाता है, तो इस प्रकार मूल्य रेखा दाहिनी ओर और बाई ओर खिसक सकती है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए अभी 100 रुपी है, प्राइस 1 रुपी है एंड 2 रुपी है एक्स एंड वाई का क्रमशः, अभी हम 100x परचेज कर पा रहे हैं और वाई की 50y परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास मूल्य रेखा कुछ ऐसी है। ये मूल्य रेखा ये बता रही कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इस प्रेजेंट सिनेरियो में मैं 50 आपका खरीद रहा हूँ वाई एंड 100 खरीद रहा हूँ एक्स, ये प्रेजेंट में मेरी मूल्य रेखा है पीएल, ठीक है। अब मेरी मान लीजिए इनकम बढ़ करके कितनी हो जाती है 200, सपोज दैट मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो अब मैं इसी रेट पर एक्स 1 रुपए का, तो 200 रुपए अगर एक्स पर खर्च कर दूंगा तो कितनी यूनिट खरीदूंगा 200x खरीदूंगा, अगर मैं वाई पे खर्च कर दूंगा तो कितना खरीदूंगा 100y खरीदूंगा, क्योंकि 2 रुपए की 1y है, तो आप देखिए मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब मैं एक्स की मात्रा जो पहले ये 50y थी, अब मेरे पास 100y पावर हो गई है और मैं देखिए ज्यादा खरीदने लगा, अब मेरा पी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब P1 हो गया, अब यहाँ पर देखिए पहले 100 खरीद पा रहा था, अब मैं 200 खरीद पा रहा हूँ, 200x, अब मेरी खरीदने की क्षमता पहले से बढ़ गई, तो देखिए मूल्य रेखा ऊपर की ओर खिसक गई। ये आपका 100 रुपए की मूल्य रेखा थी, ये आपकी 200 मूल्य रेखा है, पहले त्रिभुज आपका क्या था 100 रुपीज में, आपका जो त्रिभुज था त्रिभुज OPL, ये त्रिभुज था, ये आपका क्रय शक्ति क्षेत्र था, अब 200 में आपका क्रय शक्ति क्षेत्र त्रिभुज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OP1L1, यानी इसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ गया
और मूल्य रेखा दाहिनी ओर पैरेलल खींचा जा रही है, ठीक है। अर्थात आप एक्स तथा वाई दोनों वस्तुओं की मात्रा पहले से ज्यादा परचेज करने लगे हो। यहीं पर अगर आपकी इनकम घट करके 50 रुपी हो जाती है, आपकी इनकम डिक्लाइन हो जाती है, तो इनकम डिक्लाइन हो जाएगी तो आप अब एक्स की कितनी मात्रा खरीदोगे, आप 50x खरीद पाओगे। वाई की कितनी मात्रा खरीदोगे, अब आप वाई की 25y खरीद पाओगे। तो मूल्य रेखा आपकी नीचे की ओर खिसक आएगी। अगर आपकी इनकम कम होगी तो इनकम कम होने के परिणाम स्वरूप आप नीचे की ओर खिसक आओगे और एक्स की मात्रा आप 50x खरीद पाओगे, वाई की मात्रा आप 25y खरीद पाओगे। जो पहले आप क्या कहते हैं 50y खरीद पा रहे थे और जो आप पहले 100y खरीद पा रहे थे। अब देखिए नीचे की ओर, तो आपका क्रय शक्ति क्षेत्र पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए पहले से क्रय शक्ति क्षेत्र कम हो गया है, तो अर्थात आय घटने से मूल्य रेखा बाईं ओर खिसकती है। आय घटने से मूल्य रेखा बाईं ओर खिसकती है, बाईं ओर जाती है प्राइस लाइन, और आय बढ़ने से मूल्य रेखा प्राइस लाइन दाईं ओर जाती है, प्राइस लाइन। क्लियर है? तो इस प्रकार प्राइस और इनकम का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाए और इनकम में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। मान लीजिए अभी बाजार में 100 रुपए का आपके पास इनकम है, अब इनकम हम चेंज नहीं करेंगे, 1x का दाम 1 रुपए है, आप 100x परचेज कर पा रहे हो, 1y का दाम 2 रुपए है, आप 50y परचेज कर पा रहे हो। पूरी इनकम अगर x पे खर्च करते हो तो 100x और पूरी इनकम अगर y पे खर्च करते हो तो 50y। ये आपकी मूल्य रेखा है प्रारंभ में, जो 100 रुपए की मूल्य रेखा को दिखा रही है, PL प्राइस लाइन है। आप क्या करते हैं कि आप 50y खरीद रहे हो और 100x खरीद रहे हो, ठीक है। अब मार्केट में x का दाम मान लीजिए घट जाए, तो x का दाम या y का दाम घट जाए, मान लीजिए x का दाम घट करके 1x = 50 पैसे हो जाए, 50 पैसे हो जाए, तो अगर आप ये पूरी इनकम को x पे खर्च करोगे तो कितना x पाओगे, आप पा जाओगे 200x पा जाओगे। तो y देखिए वही रहेगी, y आप 50 ही रहोगे, क्योंकि y के वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो 2 रुपी का 2 रुपी है, ठीक है। 1y = 2 रुपीज है, तो इसको तो आप 50y ही परचेज करोगे, बट x की मात्रा आप पहले से बढ़ा दोगे, तो मूल्य रेखा आपकी दाहिनी ओर खिसक जाएगी और x आप 200x खरीदने लगोगे। तो कंफर्म है कि किसी वस्तु का यदि मूल्य कम होता है तो वस्तु का मूल्य कम होने से आपका क्रय शक्ति क्षेत्र बढ़ जाता है, और आपका क्रय शक्ति क्षेत्र यानी प्राइस कम होने से, प्राइस कम हुआ तो त्रिभुज OPL से त्रिभुज OPL 1 हो जाता है, अर्थात आपका जो मूल्य रेखा है वो दाहिनी ओर खिसक जाती है और आपका मूल्य रेखा का ढाल पहले से कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मूल्य की कमी के परिणाम स्वरूप मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी। अगर मान लीजिए रेट बढ़ जाए, अब मार्केट में 1x = 1 रुपए का है वो 2 रुपीज का हो जाए, 1x का दाम कितना हो जाए 2 रुपीज हो जाए, अब पूरी 100 रुपए की इनकम से आप कितना खरीद पाओगे, 100 रुपए की इनकम से आप खरीद पाओगे मात्र 50x। तो अब आप पहले से कम खरीद पाओगे, अर्थात x की खरीदने की क्षमता जो 100 थी अब कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो मूल्य रेखा बाईं ओर खिसक जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से, अगर x का देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ा, तो x का प्राइस बढ़ने से x एक्सिस पे मूल्य रेखा अंदर की ओर खिसक जाती है और आपका क्रय शक्ति क्षेत्र पहले से, ये देखिए क्रय शक्ति क्षेत्र पहले से कम हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा चाहे जिस वस्तु का, चाहे x का, तो यहाँ पे x का यदि प्राइस बढ़ेगा तो मूल्य रेखा PL कम होगी यानी बाईं ओर जाएगी। अगर प्राइस ऑफ x घटेगा तो मूल्य रेखा ऊपर की ओर जाएगी, मूल्य रेखा बाहर की ओर जाएगी, दाईं ओर जाएगी। ये आप कंफर्म
कर लेना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्लोप बढ़ जाती है, स्लोप दिखाती है कि प्राइस हाई हो गया है, ये स्लोप डाउन दिखाती है कि प्राइस कम हो गया है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता याद रखना, अगर उपभोक्ता ऊंचे तटस्था वक्र में आईसी वन की अपेक्षा आईसी टू उसे ज्यादा यूटिलिटी प्रदान करेगा, आईसी टू की अपेक्षा आईसी थ्री उसे और ज्यादा यूटिलिटी प्रदान करेगा, आईसी थ्री की अपेक्षा आईसी फोर उसे और अधिक यूटिलिटी प्रदान करेगा। तो इस प्रकार यदि ऊंचे तटस्था वक्र में उपभोक्ता चला जाएगा तो उसकी यूटिलिटी का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक उपभोक्ता का टारगेट होता है कि दिए आय पर ऊंचे से ऊंचे तटस्था वक्र की ओर जाना। वो चाहेगा कि हम फोर्थ पे पहुंच जाए अपनी दी हुई आय पर, क्योंकि फोर्थ सबसे ज्यादा यहाँ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट आपका इंडिफरेंस कर्व है आईसी वन, उपभोक्ता इसमें है, लेकिन इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आईसी टू दिखाता है जो हाई यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हाई यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आईसी थ्री दिखाता है, ये और हाईली यानी आईसी टू की अपेक्षा इसमें ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। और इस सबसे अच्छा जो इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो आईसी फोर है, यानी यहाँ पर आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। लेकिन आपको देखना कि आपकी इनकम रेंज मूल्य रेखा की रेंज में कौन सा तटस्था वक्र आता है। तो अब हम देखते हैं उपभोक्ता संतुलन के लिए तीन शर्तें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पहला, मूल्य रेखा का ढाल आईसी के ढाल के बराबर होना चाहिए, आईसी के ढाल के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी, आईसी कर्व के स्लोप के बराबर हो। दूसरी कंडीशन, मूल्य रेखा आईसी वक्र को काटना नहीं चाहिए, टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, ये याद रखना। और थर्ड कंडीशन है उपभोक्ता संतुलन की, तटस्था वक्र को उन्नतोदर होना चाहिए, आईसी को उन्नतोदर होना चाहिए। ये तीन उपभोक्ता की संतुलन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मूल्य रेखा की ढाल आईसी कर्व के ढाल के बराबर होनी चाहिए, दूसरा मूल्य रेखा द्वारा आईसी कर्व को कट नहीं करना चाहिए बल्कि स्पर्श करना चाहिए। तो वहीं पर उपभोक्ता संतुलन होगा जहां पर तीन शर्तें फुलफिल करें। आइए देखते हैं ये तीनों शर्तें कहां पर फुलफिल करती हैं। ये मेरे पास एक दी हुई मूल्य रेखा है PL, उपभोक्ता के पास पहला इंडिफरेंस करो आईसी वन है, दूसरा इंडिफरेंस करो आईसी टू है, तीसरा इंडिफरेंस करो आईसी थ्री है, चौथा इंडिफरेंस करो आईसी फोर है। अब देखो आईसी फोर को कभी भी उपभोक्ता परचेज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इसके मूल्य रेखा रेंज से, ये मूल्य रेखा रेंज यानी ओ त्रिभुज ओ पी एल ही उसका क्रय शक्ति क्षेत्र है। तो केवल वो क्रय शक्ति क्षेत्र पर ही रह सकता है संतुलन में, अदर जगह पे संतुलन में नहीं रहेगा। अब बात यह है कि उपभोक्ता ए पॉइंट पर संतुलन में नहीं रह सकता, बी पॉइंट पे संतुलन में नहीं रह सकता, सी पॉइंट में संतुलन में नहीं रह सकता, डी पॉइंट में संतुलन में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यहां पर आईसी वक्र का ढाल, मान लीजिए मैंने ए एच है और मूल्य रेखा का ढाल, देखिए दोनों बीबी है, ए ए और बीबी दोनों बराबर नहीं है, अर्थात दोनों का ना तो आईसी वक्र का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं है और ना ही, और साथ ही साथ मूल्य रेखा आईसी वक्र को कट कर रही है। इसी कंडीशन बी पर भी है, आईसी वक्र का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं है, साथ ही साथ मूल्य रेखा आईसी वक्र को कट कर रही है।
सी बिंदु पर भी यही कंडीशन है, मूल्य रेखा आईसी वक्र का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं है और साथ ही साथ कट कर रही है, अर्थात ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और डी बिंदु पर भी आईसी वक्र का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं है, अर्थात ए बी सी डी संतुलन बिंदु नहीं होंगे, अर्थात आईसी वन और आईसी टू पर कोई उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा, आईसी फोर पर भी संतुलन में नहीं होगा क्योंकि आईसी फोर उसके क्रय शक्ति क्षेत्र के बाहर आता है। अब हम कंसीडर करते हैं आईसी थ्री के इक्विलिब्रियम पॉइंट ई को। ई संतुलन बिंदु होगा, क्यों होगा? यहां पर मूल्य रेखा की ढाल तटस्था वक्र के ढाल के बराबर है। दूसरी चीज, यहां मूल्य रेखा तटस्था वक्र को स्पर्श कर रही है, काट नहीं रही है, अतः ई संतुलन बिंदु होगा। उपभोक्ता x की ओ x1 मात्रा को परचेज करेगा और y की ओ y1 मात्रा का परचेज करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता दिए हुए मूल्य PL पर x की ओ x1 मात्रा y की ओ y1 मात्रा को खरीदेगा और IC3 तटस्था वक्र पर संतुलन में रहेगा। यही उपभोक्ता का संतुलन है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, और तीसरा शर्त यहाँ पे फुलफिल हो रही है, थर्ड की आईसी वक्र यहाँ पर उन्नतोदर है नतोदर नहीं। तो इस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से उसके संभव तटस्था वक्र में आईसी वन से मच बेटर आईसी टू है, आईसी टू से मच बेटर आईसी थ्री है और आईसी थ्री से मच बेटर आईसी फोर है, बट आईसी फोर को परचेज नहीं कर सकता, अतः ई संतुलन बिंदु पर वो सदैव रहता है। यही उसका संतुलन बिंदु है जहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, अतः उपभोक्ता x की ओ x1 मात्रा y की ओ y1 मात्रा का क्रय करेगा। थैंक यू। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा।